हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। इससे पहले का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज अलजेब्रा डेवलप करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ए प्लस आयोटा बी, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। इन दोनों का एडिशन देखिए क्या होगा। Z1 प्लस Z2 विल गिव यू A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। अब एडिशन करते वक्त ये ध्यान रखें, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही ऐड करना है। You have to add real part with real part, और imaginary part जो है वो imaginary part के साथ add होगा। So a plus c plus iota b plus d। So ये एक नया complex number मिल गया आपको, जिसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, z3 नाम भी दे सकते हैं, या as it is z1 plus z2 भी रख सकते हैं। इसका real part जो है real of Z1 plus Z2 वो हो गया A plus C, और imaginary of Z1 plus Z2 is B plus D। तो ये एक नया complex number मिल गया आपको, जिसमें imaginary part और real part जो है वो ये हैं। real part हो गया आपका A plus C और imaginary part हो गया B plus D। यानी simply आपको complex numbers को add करना है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का एडिशन होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा। गॉट इट? कोई पर्टिकुलर केस लेके भी हम देख लेते हैं ये। जैसे Z1 आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए आयोटा 3 लिखूं या 3 आयोटा लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक। सो Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा, और इन दोनों का एडिशन देखिए, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है वो ऐड कर दीजिए, सो 5 प्लस 2 रियल पार्ट ऐड करेंगे आप, ये 5 और ये 2, तो 5 प्लस 2 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐड कीजिए, सो 3i प्लस 2i ये हो गया 5i। तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपके पास। अब अगर यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता, मान लीजिए ये 5 प्लस 2 आयोटा की बजाय यहाँ होता 5 माइनस 2 आयोटा, ऐसा अगर होता तो इसको कैसे करते हैं आप, साइड में देखिए 2 प्लस नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो जाता 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। So, 2 प्लस 5 7 और 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, सो वो बच जाता सिर्फ आयोटा, ठीक है। सो साइन को ध्यान में रखना है कि वो प्लस है या पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उस हिसाब से आपको एडिशन कर देना है। सो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। नाउ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो एडिशन है वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, उनको सेटिस्फाई करेगा, तो हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखिए, क्लोजर लॉ। द क्लोजर लॉ, इसका मतलब क्या हुआ पहले मैं बता देता हूं, फिर पढ़ता हूं ये डेफिनेशन। क्लोजर लॉ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एड किए तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही मिलेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे आपको आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। ये क्लोजर लॉ है, सिंपल, ठीक है। पढ़ भी देता हूं मैं, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसने सिर्फ दो का दे रखा है, दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक टाइम में दो ही होते हैं एडिशन, इसलिए इसने कहा है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। That is Z1 plus Z2 is a complex number for all complex numbers Z1 and Z2। पीछे एग्जाम्पल हमने लिए, उसमें भी हमने देखा कि ऐसा ही होता है कि
z1 कोई एग्जांपल लीजिए, आप और एग्जांपल ले लिए 2 - 3 iota एंड z2 इज 5 + 6 iota। तो z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका एडिशन देखिए आपको क्या मिलता है, 2 - 3 iota + 5 + 6 iota। रियल पार्ट ऐड कीजिए 5 + 2 = 7, इमेजिनरी पार्ट ऐड कीजिए तो 6 iota - 3 iota तो ये +3 iota। तो ये भी देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। बट एक कंडीशन ध्यान रखिए, सपोज ऐसा होता है कि z1 इक्वल्स टू 2 - 3 iota है, z1 2 - 3 iota है और z2 है वो 2 + 3 iota है, और यहां देखिए z1 प्लस z2 क्या आएगा, तो 2 + 2 = 4 हो गया और 3 iota माइनस का 3 iota है और प्लस का 3 iota तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो वो आपको क्या मिला, आयोटा जीरो। या फिर इसको ना लिखूं, सिर्फ आपको यूं है कि बचा तो है 4 ही तो बचा है, तो सीधा 4 लिख दिया और ये इमेजिनरी नंबर नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म नहीं है। बट आज से जब से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू किया है तो ये बात ध्यान रखें कि हर नंबर जो है अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में आयोटा जीरो ऐड कर सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यहां इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर आयोटा का पार्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। नहीं, हर नंबर अब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा का पार्ट अगर शो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट यानी बी जो है वो जीरो है, क्योंकि देखिए जनरल फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, और अगर बी जीरो है, इफ बी जीरो है तो जेड क्या लिखा जाएगा, ए प्लस आयोटा जीरो, और ये कभी कभी नहीं भी लिखा जाता तो z इक्वल्स टू a। तो अब भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये यूं कहूं कि हर नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 4 है तो 4 में प्लस आयोटा जीरो में ऐड कर देता हूं, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, बट ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, गॉट इट। सो हर नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रॉपर्टी अपनी फॉलो करेगा हर कंडीशन में, यानी कि क्लोजर लॉ क्या कहता है आपका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यह नंबर आपका यू गिवन हो, देखिए कंफ्यूजन की वजह एक और भी हो सकती है, जेड वन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 6 iota और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ वैल्यू है 2। ठीक है, अब यूं कहें कि ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ये भी कॉम्प्लेक्स है, आयोटा जीरो, और फिर आप इनका एडिशन कर दीजिए तो z1 प्लस z2 क्या मिलेगा आपको, 3 + 2 = 5 एंड -6 iota एज इट इज, ये तो क्या है, जीरो है। ठीक है, सो ये इनका सम भी आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी है द कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेता हूं मैं, z1 इक्वल टू 2 + 6 iota एंड z2 इक्वल्स टू 3 + 2 iota। ठीक, और इनको करता हूं z1 प्लस z2, क्या वैल्यू आएगी, 2 + 6 iota + 3 + 2 iota, वैल्यू आई 3 + 2 = 5। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, सो वो आ गया 8 iota। अगर मैं z2 प्लस z1 करूं तो देखिए क्या वैल्यू आएंगी, z2 है आपका 3 + 2 iota और z1 है 2 + 6 iota, और 3 + 2 ये आया 5 और 2 iota + 6 iota ये आया 8 iota। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, यानी कि अगर मैं z1 प्लस z2 करूं या फिर z2 प्लस z1 करूं, दोनों क्या है, सेम आंसर मिलेंगे मुझे।
ठीक, यानी ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आपका आंसर है वो सेम आएगा, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1, z2, z3, z1 प्लस z2 करके, z1 प्लस z2 पहले फाइंड आउट करके फिर z3 में ऐड करूं, या फिर z1 को ऐड करूं z2 प्लस z3 के सम में, आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, z1 की वैल्यू है आपकी 2 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस 2 आयोटा, एंड z3 की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करता हूं मैं, तो z1 z2 फाइंड आउट करता हूं मैं पहले। z1 प्लस z2 फाइंड आउट कीजिए, क्या वैल्यू आएगी? 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 5, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू ये आ गई। z1 प्लस z2 की वैल्यू को, z1 प्लस z2 की वैल्यू को अब ऐड कीजिए z3 में। ठीक, तो z1 प्लस z2 की वैल्यू है 5 प्लस 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू है आपकी 4 प्लस 3 आयोटा। देखिए आंसर क्या आया, 5 प्लस 4, सर इनका एडिशन करो भाई, 5 प्लस 4, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कीजिए 9, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा। सो आंसर हो गया आपका 9 प्लस 6 आयोटा। अब देखिए राइट हैंड साइड करता हूं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो गिवन है एक्सप्रेशन उसकी। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है कि उसने z1 को ऐड कर रखा है z2 प्लस z3 में। सो सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं z2 प्लस z3, देखिए क्या वैल्यू आती है। z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, और z3 की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। आंसर क्या आया, रियल पार्ट को रियल से ऐड कीजिए 4 प्लस 3 7, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, सो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा, तो 7 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब इसको z1 में ऐड कीजिए, सो z1 प्लस z2 प्लस z3, तो देखिए वैल्यू क्या आती है। z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 5 आयोटा। आंसर देखिए क्या आया, 7 प्लस 2 9, प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा 6 आयोटा। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द बोथ आंसर्स आर सेम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, तो किन्हीं दो का सम करके तीसरे में ऐड करूं किसी भी तरीके से, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड करें और वापस आपको अपना वही पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूं, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसमें कुछ ऐड किया, एक्स कुछ ऐड किया, ठीक है, और वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐड किया एक्स, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूं यहां, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐड किया इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वापस इसने आपको अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्रोवाइड कर दिया। गॉट इट? अब मैं पढ़ता हूं प्रॉपर्टी क्या कहती है। देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0, डिनोटेड बाय 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज के बाद हर नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि उसमें 0 आयोटा आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। सो देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0,
होल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, z प्लस जीरो इज इक्वल टू z. गॉट इट? तो जीरो प्लस आयोटा जीरो एक ऐसा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐड करेंगे तो वापस आपको अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल, सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूं. तो देखिए 2 प्लस 3 आयोटा इसमें एडिशन करना है मेरे को प्लस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि है जीरो प्लस आयोटा जीरो. तो रियल पार्ट ऐड कीजिए 2 प्लस 0 2 और इमेजिनरी पार्ट ऐड कीजिए 3 प्लस 0 3 आयोटा. सो ये वापस आपको क्या मिल गया? अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया. इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें आपको वापस अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. अब ये क्या बला है? देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी एक्स वाई जेड कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें और आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स. मतलब कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका इनवर्स आपको ऐड करना है ताकि आंसर में आपको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए. सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक, और इसको ऐड करना है मुझे इसके इनवर्स में. इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड यानी माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 3 आयोटा, या इसको यूं लिखें माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस 3 ऑफ आयोटा, ठीक है. सो कोई बात, ये सेम ही चीज है, इसमें कोई गलत नहीं, ठीक है जी. z में इसको ऐड करना है यानी माइनस z को ऐड करोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. सिंपल बात है. देखिए एडिशन करते हैं हम 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 आयोटा. अब देखिए इन दोनों का एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे सो 2 प्लस माइनस ऑफ 2 सो जीरो आ जाएगा. रियल पार्ट जीरो हो गया और 3 माइनस 3 0 आयोटा. सो ये हो गया जीरो आयोटा या आयोटा जीरो लिखूं, ठीक है. और ये क्या मिल गया आपको? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि अगर दोनों का एडिशन आप करोगे तो आपको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है. फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ऑफ जेड इनवर्स ऑफ जेड सो दैट व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. सो सिंपल सी बात ये है. अब मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ भी देता हूं. देखिए टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के लिए वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा? माइनस a प्लस आयोटा माइनस b. हर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जिस्ट करेगा जिसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z. ये अगर z है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ z या इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है. और इन दोनों के एडिशन से हमें क्या मिलेगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. अब इससे देखिए हमें फायदा कैसे होता है. आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक Z1 है और एक Z2 है. आपको क्या करना है? Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना है,
ठीक है, दोनों का सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली में ये है क्या, जेड वन प्लस माइनस ऑफ जेड टू, यानी कि आपको जो एडिशन करना हमने सीखा है, एडिशन की हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं, तो वो सारी सब्सट्रक्शन पे भी अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि सब्सट्रक्शन जो है वो है क्या, एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, Z1 Z2 का सब्सट्रक्शन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि Z1 में मैं Z2 का इनवर्स ऐड कर दूं, सिंपल सी बात, तो सब्सट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Z1 आपने कंसिडर किया 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 आपने कंसिडर किया 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2। तो मैं क्या करूं, Z1 प्लस इनवर्स ऑफ Z2 ऐसा कर देता हूं। सो यहां देखिए Z2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Z2 या इनवर्स ऑफ Z2 या नेगेटिव ऑफ Z2, वो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस टू आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को क्या कर दूं मैं, माइनस माइनस कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो मेरे पास इनवर्स ऑफ Z2 आ जाएगा। अब इनका एडिशन कर दीजिए, देखिए Z1 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस, अब इनवर्स ऑफ Z2 क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। सो रियल पार्ट का एडिशन कीजिए, सो 2 प्लस माइनस ऑफ 1, 2 माइनस 1 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, सो ये आयोटा बच गया, ये आपका Z1 माइनस Z2 आ गया। यानी कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, आई थिंक देखता हूं मैं, हाँ फिफ्थ है, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये सब्सट्रक्शन को भी एडिशन में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि आपको अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे का इनवर्स एड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इसी के कंटिन्यूएशन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, सिंपल बात। ठीक है, यानी Z1 में से Z2 आपने घटा दिया। सपोज Z1 आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 3 आयोटा और Z2 आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक, तो Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना मतलब Z1 प्लस इनवर्स ऑफ Z2 ये करना है, Z1 का एडिशन करना है इनवर्स ऑफ Z2 के साथ। ठीक है, सो सिंपल ये नोटेशन है, आपको करना क्या है, सिर्फ Z2 को नेगेटिव करना है, जैसे 6 प्लस 3 आयोटा और इनवर्स ऑफ Z2 क्या होगा, इनवर्स ऑफ Z2 आपका होगा माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ 2 आयोटा, उनको नेगेटिव कर देना है। ठीक है, सो प्लस Z2 की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ 2 आयोटा इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा, ये आंसर आ गया आपका। इतना सब कुछ आप नहीं करना चाहते, आपको नहीं ये अच्छा लग रहा, समझ आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है, Z1 की वैल्यू लिखिए, देखिए कितनी है, 6, Z1 की वैल्यू है आपकी 6 प्लस 3 आयोटा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यानी कि Z2 की हर टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए उसको, तो Z2 क्या है, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, सिंपल। Z2 था आपका 3 प्लस 2 आयोटा, तो उन सबको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो 6 माइनस 3 3 एंड 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा, सो 3 प्लस आयोटा आंसर आ गया आपका। देखिए ये भी वही आंसर है और ये भी वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, देखिए Z1 की वैल्यू है आपकी 6 प्लस 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है आपकी माइनस 2 माइनस 4 आयोटा, पहले से आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2, यानी कि Z1 प्लस
माइनस ऑफ जेड टू ऐसा करना है आपको, और देखिए इनवर्स ऑफ जेड टू क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसको नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 4 आयटा ये वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कीजिए Z1 प्लस Z2 इनवर्स वैल्यू ही लिख देता हूं, अब मैं यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए Z1 की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 3 आयटा, और इनवर्स ऑफ Z2 उसका एडिशन करना है इसमें, तो इनवर्स ऑफ Z2 की वैल्यू ये है 2 प्लस 4 आयटा, जो कि आपको देगा 8 प्लस 7 आयटा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहते आप Z1 माइनस Z2, तो सिंपली यू कीजिए Z1 की वैल्यू लिखिए 6 प्लस 3 आयोटा, और माइनस करना है आपको Z2 जिसकी वैल्यू है माइनस 2 माइनस 4 आयोटा, सो 6 प्लस 3 आयोटा। अब ये देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस 2 प्लस का 2 एंड माइनस माइनस 4 आयोटा तो प्लस का 4 आयोटा, सो 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा, और देखिए दोनों आंसर आपके सेम है। ठीक है, तो सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, थैंक यू।